प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय दो वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी ध्वनि समूह अर्थात सबसे छोटी इकाई को समझना अत्यंत आवश्यक है, और इसी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है, जिसके और अधिक खंड या टुकड़े ना हो सके। तो इस प्रकार हम वर्ण को परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। खंड अर्थात टुकड़े, मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण जैसे अ आ ई, जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसका क्या है, इसका हम और अधिक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये वर्ण कहलाती है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हमारा आता है वर्णमाला। कि वर्णमाला किसे किसे कहते हैं, तो जब हम वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से जब हम उसको लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब हमारा अगला है वर्ण के भेद। कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोलने वाले ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब जिसमें हम किसी की सहायता ना लेते हैं, जिन वर्णों को बोलने में हम किसी की सहायता ना लें तो वो क्या कहलाता है, वह स्वर कहलाता है। जिनका उच्चारण करते समय जब वह बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर निकलता है जिन वर्णों को, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं बेटा, तो जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने हैं, कुल 11 स्वर हैं। और जो हिंदी वर्णमाला है उसको किस लिपि में लिखी गई है बेटा, तो देवनागरी लिपि में। हिंदी जो वर्णमाला है उसको किस लिपि में लिखी गई है बेटा, तो देवनागरी लिपि में। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से बेटा, ओ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है, ये हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। स्वर के भेद के बारे में जानेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं बेटा, तीन। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है बेटा, 4। कौन कौन से, ओ ई उ री। ये क्या है, ये हमारी ह्रस्व स्वर है। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो सबसे कम समय में हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहा है कि ये ह्रस्व स्वर। अब दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से बेटा, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। देख रहे हैं, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लग रहा है। जैसे मान लीजिए ओ, तो ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर है। आ, तो इससे दोगुना समय लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यह दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है बेटा, 7। तो उसके बाद आता है क्लुप्त स्वर। कि क्लुप्त स्वर किसे कहते हैं,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से दोगुना और ह्रस्व स्वर से तीनगुना समय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लुप्त स्वर। जैसे ओम, जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना कि दीर्घ स्वर से क्या लग रहा है? दोगुना समय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है और उरी उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या सात होती है। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ ये हमारे दीर्घ स्वर है। उसके बाद आता है क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है उसे हम क्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओ। तो ये था वर्ण विचार में वर्ण, वर्णमाला और वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में